जय राम जी की दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना है। सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज फिर मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और अच्छा मुहूर्त लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और पिछले 2019 में ये मुहूर्त बहुत चला था, बहुत लोगों की कॉल आई और बहुत लोगों ने इस बारे में मुझसे जानने की कोशिश की थी। इस विषय पर मैं आज थोड़ा सा फिर आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। आज का विषय है मुंडन। मुंडन भी हमारे 16 संस्कारों में से एक विषय है। मुंडन अगर शुभ समय पर हो तो बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। इसलिए आज मुंडन विषय पर जानकारी हासिल करेंगे, मुंडन के विषय पर थोड़ी बातचीत करते हैं। अगर हम बात करें कि 2020 में मुंडन के कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ेंगे, तो वर्ष के आरंभ से जनवरी माह से आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो शुभ तिथियां पड़ती हैं जनवरी माह में, वो आपकी पड़ेंगी दिनांक 16, 17, 27, 30 और 31। इसी प्रकार से अगर आप फरवरी माह में मुंडन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का या अपना खुद कोई भी, तो उसके लिए सबसे शुभ तिथियां फरवरी में पड़ती हैं हमारी 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। इसी प्रकार से अगर आप मार्च माह में मुंडन करना चाहते हैं, तो मार्च माह में मुंडन की अति शुभ तिथियाँ हैं दिनांक 5, 11 और 13। जो जातक अप्रैल माह में मुंडन के लिए सोच रहे हैं, वो अप्रैल माह की तो अति शुभ तिथियां दो पड़ती हैं, वो तिथियां हैं हमारी 16 तारीख और 17 तारीख। अप्रैल माह से बाद की जो मुंडन की तिथियां हैं, वो मैं आपको आने वाली नई वीडियो में दूंगा, क्योंकि जब हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ हो जाएगा अप्रैल माह में, तब आपको उन तिथियों की मैं बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं जल्द ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा आने वाली इस वीडियो का, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय राम जी की जय श्री राम।